अक्षय तृतीया आ ही गई। 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया का पुण्य वाला दिन है और इस दिन का हिंदू धर्म वालों को बहुत बेचैनी से इंतजार रहता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मी माता की पूजा होती है। तृतीया तिथि गौरी माँ का भी दिन होता है। इस दिन जो मनुष्य नहा धोकर पूजा पाठ करके तुलसी दल को विष्णु भगवान के सिर पर अर्पित करता है वो बहुत भाग्यशाली होता है और उसकी सभी मनोकामना भगवान श्री हरि पूरी करते हैं। इस दिन पितरों का पिंड दान भी किया जाता है और पितरों को तृप्त भी किया जाता है। इस दिन जो भी वस्तु दान में दी जाती है, जैसे जल से भरा कलश अगर कोई दान देता है तो उसका यह दान अक्षय रहता है। इस दिन विवाह मकान का मुहूर्त, जमीन खरीदना आदि बहुत ही श्रेष्ठ समझे जाते हैं। इस दिन महोदय नामक एक ब्राह्मण था, उसकी कहानी प्रसिद्ध है कि उसने अक्षय तृतीया का व्रत किया था और उस पुण्य फल का प्रताप उसको अगले जन्म में बहुत इतना धनवान बन गया वो, तो जीवन भर उसको इतनी संपत्ति मिली कि दूसरों को देता रहा फिर भी कम नहीं हुई। इस दिन गौदान का भी विशेष महत्व है। जो मनुष्य इस दिन गौदान करता है या स्वर्ण दान करता है ब्राह्मण देवता को, वो कभी गरीबी को नहीं भुगतता, अर्थात उसके जीवन में संपन्नता आती ही आती है। इस दिन बद्रीनाथ भगवान का भी दर्शन करने का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो बहुत बढ़िया माना जाता है, सोमवार का दिन हो तो बहुत बढ़िया माना जाता है, लेकिन इस बार ये शुक्रवार को है तो हम शुक्रवार को भी शुभ मानेंगे क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा संध्या समय की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा से धन के भंडार भर जाते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा, लक्ष्मी माता की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा की जाती है वासुदेव स्वरूप में। इस दिन भगवान का पूजन तुलसी दल चढ़ाकर अवश्य करना चाहिए। तुलसी दल चढ़ाने वाले को बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। भीगे हुए चने की दाल में मिश्री मिलाकर अर्पित करने वाले को या तुलसी दल उसमें मिलाने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रसादी को भक्तों में वितरित कर देना चाहिए। तो ये बहुत ही सुखद संयोग है कि शुक्रवार है और अक्षय तृतीया है, तो इस दिन का लाभ उठाइए और पुण्य फल की आप प्राप्ति कीजिए। इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। धन के भंडार, संपत्ति के भंडार आपके घर में भर जाएंगे, जैसे कि महोदय नामक बनिए का घर भर गया था अगले जन्म में। उसकी पत्नी ने उसको मना किया कि ऐसे संपत्ति मत लुटाओ, अक्षय तृतीया को दान मत करो, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और अक्षय तृतीया को वही किया जो उसके अंतरात्मा ने उसको कहा, और इसका फल ये मिला कि अगले जन्म में वो संपन्न वैभवशाली बना। इस दिन जौ का दान अवश्य करना। जौ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और जौ का दान करने वाले को अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका पुण्य अक्षय रहता है और उसके खाते में दर्ज होता रहता है। महोदय नामक बनिया की कथा प्रसिद्ध है, वो अगले जन्म में कुशावती नगर का राजा बना और उसके पास इतनी संपत्ति आ गई कि वो सबको देने में समर्थ था और गरीबों को भी बहुत दान देता था। तो अक्षय तृतीया ऐसी तिथि है कि इस दिन जो भी दान दिया जाता है वो उसका कभी क्षय नहीं होता, जो भी पुण्य किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षय पुण्य और अक्षय धन की अतुलित प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया का व्रत भी कई लोग करते हैं, जेवर की खरीदारी कई लोग करते हैं और गौदान भी करते हैं, पानी से भरा जल दान करते हैं, स्वर्ण का दान करते हैं। इस दिन परशुराम जयंती या जन्मोत्सव भी है क्योंकि परशुराम का अस्तित्व हम अवतार के रूप में मानते हैं, तो परशुराम जयंती नहीं जन्मोत्सव मनाते हैं हम लोग। इस दिन भूमि या भवन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जूता अपंग को अपाहिज को जूते पहनाओ, ऐसा अपाहिज हो जिसको वैसाखी की जरूरत नहीं है, जिसके दोनों पैर सलामत हैं लेकिन एक पैर में थोड़ा सा डिफेक्ट है, तो उसको अपाहिज को जूता पहनाओ काले रंग का, तो आपका शनि शांत होगा।
गौदान करने से शुक्र ग्रह अच्छा होता है। भूमि का दान करने वाले का मंगल ग्रह उसको पीड़ा नहीं देता। मिश्री का दान करने वाले को चंद्रमा की पीड़ा नहीं भुगतनी पड़ती, उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। पुस्तकों का दान करने वाला बुध ग्रह की पीड़ा को नहीं भुगतता। इसी प्रकार से धार्मिक पुस्तक का दान करने वाले का बृहस्पति अच्छा होता है और उसको पीड़ा नहीं देता। इस दिन गंगा स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नए बिजनेस को आरंभ करने के लिए ये दिन बहुत ही बढ़िया माना गया है। शास्त्रों की माने तो जो भी काम इस दिन किया जाता है वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, अक्षय रहता है। इस दिन आप जो चाहें काम कर सकते हैं। इस दिन जो भगवान की प्रिय वस्तुओं का दान करता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है और भगवान भी उसकी पूजा स्वीकार करते हैं। प्रातःकाल स्नान वगैरह वगैरह से निवृत्त होकर भगवान की विधिवत पूजा करने वाला कभी किसी दुख को प्राप्त नहीं होता और उसको सुख सुख ही सुख मिलता है। भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए, चावल चढ़ाने चाहिए, रोली का तिलक करना चाहिए और चने की दाल अवश्य भीगी हुई अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मिश्री अर्पित करनी चाहिए और तुलसी का पत्ता चढ़ा देना चाहिए। तो इस तरह से अक्षय तृतीया का विधिवत पूजन किसी भी जातक को करना चाहिए, किसी भी हिंदू को करना चाहिए, किसी भी भक्त जन को करना चाहिए। इससे आपको धन वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है और जितना आपने चाहा था उससे कई गुना अधिक धन आपको प्राप्त होता है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका स्वागत है। 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं यूट्यूब पे मेरी, और वो देख सकते हैं। डॉक्टर उमाश्री टाइप करिए और मेरी 4000 वीडियो आपके सामने, मतलब 4000 के लगभग मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और जो आपको रोचक लगे उसको एंजॉय करिए। इस दिन भगवान श्री राम का भी पूजन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। राम जी की चौपाई भी बोल सकते हैं आप। रामायण जी में या सुंदरकांड में बहुत सारी चौपाई मिलेगी आपको। रामायण की किसी भी चौपाई को आप बोल सकते हैं। एक चौपाई मैं आपको बताती हूँ, उसे बोलना। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसकी ये चौपाई भी आप बोल सकते हैं। यह चौपाई राम जी को बहुत प्रिय है। जो मनुष्य राम दरबार का पूजन करता है वो जिंदगी में कभी दुख को नहीं भोगता, उसके जीवन में आनंद और सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। राम जी के भक्तों के पर हनुमान जी भी मुदित होते हैं और हनुमान जी की कृपा भी उनको मिलती है। हनुमान जी हमेशा उनकी रक्षा कवच की तरह उनके साथ में रहते हैं। जब भी वो हनुमान जी को याद करते हैं हनुमान जी तुरंत उनको संबल देते हैं और प्रकट होते हैं, मानसिक रूप से उनके ध्यान में आते हैं। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए शुभ हो और अच्छी अच्छी आपके साथ घटनाएं हो, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।